और रिपॉजिटरी में क्या नाम रखा था उसका, भूल गया मैं, ये रहा, रेस्टफुल एपीआई रखा था ना नाम इसका मैंने। जी तो सर। आप इसकी कमिट की हिस्ट्री देखेंगे ना आप, तो ये यहाँ से ना कमिट हिस्ट्री आ जाता है, फोर कमिट्स हैं। तो आप देखें 10 डे अगो ये मैंने बनाया था, यानी लास्ट से लास्ट क्लास में, ठीक है। फिर उसके बाद वाला कोड भी मैंने इसी में पुश किया है 5 डे अगो, और लास्ट क्लास का कोड भी इसी में पुश किया है मैंने। और सही सर है। ये जिधर हमने इसी कोड के अंदर वैलिडेशन बनाने के लिए लगाया था, इफ नॉट इक्वल टू हाँ बॉडी दैट, अगर वो नाम नहीं लिखता तो इसकी जगह नॉट हटा कर ये भी लिख सकते हैं, वो ब्लैंक स्पेसेस बना दें, अगर ये खाली रह जाए तो उस पर मैसेज दे एरर मैसेज, नॉट अगर ना लगाए इक्वालिटी लगा लें कोड। अब मैं 1 मिनट अब कोड ओपन कर लेता हूँ, उसमें फिर आप मुझे बताइएगा कि कौन से लाइन की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, कोड ओपन कर लिया मैंने, ये रहा। अच्छा जी, ये आ गया एक्सप्रेस। अच्छा, ये आ गया हमारा सर्वर। नीचे सर जहाँ से इफ लगाया हुआ है यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है ना ये नॉट वाला इक्वल टू बॉडी डॉट ई मेल, नॉट इक्वल टू बॉडी, ये वाला जी। इसमें सर अगर ये जहाँ पे नॉट लिखो इसकी जगह यहाँ पे इसको इक्वालिटी के अंदर वो उस तरह भी लिख सकते हैं कि डबल कोटेशन के अंदर स्पेस खाली कर दें अगर नॉट हट जाए, उस तरीके से लिख सकते हैं। असल में एम्प्टी स्पेस आता नहीं है ना आपके पास, जब ये बॉडी में अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो नहीं भेजते हैं तो आपको उसमें अनडिफाइन मिलता है। तो अगर आप इसको इक्वल करके करना चाहते हैं ना, तो फिर आपको ऐसे करना होगा, अनडिफाइन ऐसे कर सकते हैं आप। लेकिन जो नल, असल में ये जो चीज़ कह की है ना मैंने, ये प्रोग्रामिंग में कहलाती है नल चेक। सही है, नल चेक कहते हैं इसको। तो ये तरीका भी ठीक है, इससे इस सर्टेन सिनेरियो में ना ये तरीका काम करेगा, इक्वल्स टू अनडिफाइन वाला भी करेगा। लेकिन नल चेक को करने का जो प्रॉपर तरीका प्रोग्रामिंग के अंदर होता है ना, वो यही होता है कि आप नॉट लगाएं इसके ऊपर, ठीक है। ठीक अच्छा, अब ये नॉट देखें कहाँ कहाँ पे काम करेगा, मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। देखें, अब ये नॉट आपने लगाया ना, अब ये हमने किया है नल चेक। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आएगा अनडिफाइन, उस पे ये चलेगा, ठीक है, कॉमा, एम्प्टी स्ट्रिंग पे भी ये काम, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग भी फॉल्सी वैल्यू होती है, नॉट लगेगा तो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। ज़ीरो पे भी काम कर जाएगा ये, ठीक है, अगर वहाँ से फॉल्स मिलता है तो भी काम करेगा, नल पे भी काम करेगा ये, ठीक है। एन ए एन वगैरह अगर कोई इस तरह की, ये कोई भी वैल्यू आ गई ना इसमें, स्ट्रिंग के अलावा जो फॉल्सी वैल्यूज़ जितनी भी होती हैं, तो सब पे ये काम कर जाता है नॉट वाला तरीका, ठीक है। ठीक तो इस वजह से अच्छी प्रैक्टिस ये है कि नल चेक का जो तरीका प्रोग्रामिंग में आम तौर पे लोग करते हैं, जो रेकमेंडेड है, वो तरीका आप करें। ठीक अच्छा जी, और किसी का कोई सवाल है इससे मुताल्लिक, जो लास्ट हमने क्लास में पढ़ी थी चीज़? हाँ, अच्छा, मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि ये लॉगिन साइनअप की एपीआई हमने लिख ली थी, ये साइनअप की एपीआई है, और ये लॉगिन साइनअप की एपीआई हमने लिख ली थी, और एक वेरिएबल बना के उसमें हमने यूज़र स्टोर किए थे। तो अच्छा, इसका फ्रंट एंड भी हमने बनाया था चुन्ना मुन्ना सा। सही है, फ्रंट एंड को हम चला भी लेते हैं, कॉपी पाथ, ठीक है। ये हमने फ्रंट एंड बनाया था साइनअप के फॉर्म का। तो मैंने आपसे कहा था ये सब आप अपने हाथ से बना लीजिएगा सब लोग। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बना लिया है? वेल डन यार। बनाया अभी सर मैंने कुछ नहीं मैंने बना लिया। 2 लोगों का मेरे पास आ गया है, बाकी लोग भी भेज दें जल्दी से अपना ये। सर ये मैंने बनाया है मगर थोड़ा सा मैं पीछे हूँ, तो आप चेक कर ले, रेस्ट एपीआई तक मैंने बनाया था, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें मैंने अमेंडमेंट की हुई है चीज़ों में। सर ये मैंने डेटा ना लोकल स्टोरेज में सेव कराया हुआ है, आप मैं भेज रहा हूँ आपको लिंक। सर आप डेटा डाल के देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, तो ये मैंने नेटवर्क खोल लिया, सॉरी, किसी का यार मैसेज आ गया था मेरे पास।
वेल डन यार, क्या बात है। सर नीचे मैंने टेबल रेडी किया, अब ये एक्शन में मेरा इरादा था कि डिलेट वगैरह सारा मैं कंट्रोल करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी सिर्फ दो क्लास पढ़ सका था, दो क्लास मेरी पार्टी बाकी है सॉरी क्लास की, तो स्टडी कर लूँ तो उसमें यह डिलेट का एक्शन में परफॉर्म करवाने का सोच रहा हूँ इसके साथ। सही है यार, वेल डन। अच्छा इनका भी देख लेते हैं। अच्छा मैंने एक छोटी सी बात करनी थी, ये लोग फारिग हो जाए और क्लास स्टार्ट करने लगे उससे पहले की दो मिनट देती है। अच्छा इरफान सुल्तान प्यारे दोस्त, आपका जो है ना ये लोकल होस्ट लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, ये लोकल होस्ट आपका लगा हुआ है, ये काम नहीं कर रहा मेरे पास। अनम शब्बीर सर मैं समझा नहीं, वो आपका जो आपने भेजा है ना लिंक, वो मेरे पास काम नहीं कर रहा। अच्छा सर, सर ये मेरे साथ भी हो रहा था, मैंने सीधे आपको सेंड किया था, मैंने कहा सर से पूछ लिया क्या मसला है। लोकल होस्ट लगाया हुआ है ना आपने, सर्वर आपका हिट नहीं हो रहा क्लाउड का। अच्छा ठीक है, मैं इसको डिप्लॉय करके सीएसएस वगैरह भी लगा अच्छा अनम शब्बीर, साइन अप का फॉर्म तो आपका है लेकिन उस पर साइन अप का बटन प्रेस करने पे रिक्वेस्ट इंटरनेट पे नहीं जा रही थी। अच्छा अब गई है रिक्वेस्ट, लेकिन लोकल होस्ट लगा हुआ है इस पर भी, ये भी फेल हो गई आपकी रिक्वेस्ट ना। अनम शब्बीर आपका भी लोकल होस्ट इस पर लगा हुआ है, ये नहीं चाहिए, लोकल होस्ट नहीं चाहिए। अच्छा ये किसने भेजा है भाई, टू डू नेटलीफाई, वायर, क्या बात है। ये तो बड़ा अच्छा बना लिया, ये कौन है किसने भेजा ये टू डू नेटलीफाई? मैंने भेजा सर, अस्सलाम वालेकुम, अज़लान। अज़लान यार अच्छा बनाया तुमने, बड़ा जबरदस्त। सर एडिट की फंक्शनैलिटी भी है, डबल क्लिक करेंगे तो एडिट भी करेगा। अच्छा। किसी भी टू डू के ऊपर आप, सही है यार, गुड। अच्छा ये एपीआई है, अच्छा ये इसकी एपीआई है जी, इसमें कन्वेंशन मैंने वो पीएचपी वाली फॉलो की है, इंडेक्स और अपडेट डिलीट वाली। सही है, अच्छा बनाया तुमने यार, गुड। हाँ भाई सारे सर मेरा ना लोकल स्टोरेज में डेटा सेव करवाया मुझसे, लोकल स्टोरेज में क्यों करवाया, लोकल स्टोरेज में थोड़ी कराना था। लोकल स्टोरेज में नहीं कराना था भाई, लोकल स्टोरेज में क्या कराओगे सर, मेरे से समझ ही नहीं आया। इसका मतलब ये है कि अभी तुम लोगों को ये काम करवाना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम आगे पढ़ाई करेंगे। एक सवाल है मेरा जी सर, ये REST API के मतलब से आप जो एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, तो मतलब कितनी भी एप्लीकेशन बनती है अमूमन जो बननी चाहिए तो वो REST API के थ्रू बनती है, जो उसको डायरेक्ट जैसे फ्रंट एंड और बैक एंड एक ही में बनाते हैं? अच्छा ये तुमने जो सवाल किया है ना, वो बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया तुमने, ये भी तो आपसे किया सर। मुझे सोचने दो कि इसका जवाब मैं तुम्हें क्या दूँ क्योंकि इसका मैं जवाब अगर मैं दे दूँ ना जो है सही वाला, तो तुम सब लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यार, एप्लीकेशंस बनाने के ना बहुत सारे तरीके दुनिया में मौजूद हैं, ठीक है। रेस्टफुल सर्वर बहुत सारे अवेलेबल तरीक़ों में से एक है, सही है। तो कुछ मोबाइल ऐप्स ऐसी होती हैं जो इंटरनेट से ताल्लुक ही नहीं होता जिनका, चल रही होती है वो भी, ठीक है। तो
जैसे कैलकुलेटर, अगर एंड्रॉयड फ़ोन में आप कैलकुलेटर की ऐप डाउनलोड करते हो तो उसको इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं होती, तो एक तो वो हो गई एप्लीकेशन जिसको इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं है। अब एक होती है इंटरनेट जिसकी जिसको चाहिए होता है, ठीक है, तो वो सर्वर से तो बात उसको करनी है एप्लीकेशन को ना, जिस जो एप्लीकेशन जो इंटरनेट के बगैर काम नहीं करती, जो एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन सर्वर से तो बात कर रही है, ठीक है, इसके बगैर तो वो काम चल नहीं सकता। अच्छा, अब तुम्हारा सवाल ये है कि क्या सारी एप्लीकेशन जिस सर्वर से बात कर रही हैं वो REST API पे लिखे हुए हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है, REST API पे शायद 10% सर्वर ऐसे होंगे जो REST API पे लिखे हुए होंगे। अच्छा, PHP पे भी यही सर्वर आप PHP पे भी बना सकते हैं। अच्छा, PHP पे भी RESTful भी बना सकते हैं आप, लेकिन REST के अलावा एक SOAP है, एक स्टैंडर्ड, असल में PHP के अंदर ना SOAP को फॉलो किया जाता है, ठीक है, SOAP करके होता है, उसकी कोई एब्रीवेशन होती है वो मुझे नहीं पता, देख लीजिएगा आप गूगल करके, तो वो भी बड़ा फेमस है। तो बहुत सारी जो एप्लीकेशन हो सकता है जो सर्वर को कॉल करती हैं वो SOAP में सर्वर लिखे हुए हों। SOAP में ये होता है कि XML में रिक्वेस्ट जाती है, XML में रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, इसमें JSON है उसमें XML होता है, और भी सारे उसके अंदर चीज़ें हैं बहुत सारी। अच्छा, फिर इसी तरीके से जावा में भी सर्वर लिखे जाते हैं, सी शार्प में भी सर्वर लिखे जाते हैं, .NET कहने का मकसद ये नहीं है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज से पहले जितने मैं एप्लीकेशन बनाता ना जेंगो में, मैं पाइथन डेवलपर हूँ, तो उसके ना जितनी भी एप्लीकेशन बनाई है तो मैंने फ्रंट एंड और बैक एंड साथ में रखा है, तो मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से मतलब जो चलता है चलता हुआ तरीका या जो अच्छा तरीका है वो क्या है, कि अलग अलग रखना चाहिए कि एक साथ रखना चाहिए? अब मुझे तुम ज़रा ये एक्सप्लेन करो कि जेंगो में तुमने एक साथ जो बनाया वो कैसे बनाया, क्योंकि एक सर तो उसके में नहीं बनता। उसके टेम्पलेट है जो जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर ही रखे हैं, रिएक्ट की अगर यूज़ करता तो मेरे ख्याल में उसको शायद अलग अलग करना पड़ता। हाँ, अच्छा, टेम्पलेट्स यूज़ किए हैं तुमने, लेकिन देखो टेम्पलेट्स में भी असल में वो एक तो नहीं होता, वो होता तो अलग ही है सही मानों में देखा जाए तो। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप रिक्वेस्ट करते हैं तो पूरा पेज उठ के आता है, कुछ जगहें ऐसी होती हैं, लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे पूरा पेज नहीं आता, जहाँ तक मुझे पता है जेंगो, मैंने जेंगो पे पर्सनली काम नहीं किया खुद, लेकिन मुझे आइडिया है कि उसमें किस तरह होता है। टेम्पलेटिंग इसमें भी हो जाती है, टेम्पलेटिंग से अगर आपको काम करना है ना तो रिएक्ट और आपका ये जो एक्सप्रेस का सर्वर है ना, इसमें भी टेम्पलेटिंग इंजन होते हैं, इसमें टेम्पलेटिंग बड़ा फेमस है, EJS और दूसरा है JED, ये दो बड़े फेमस टेम्पलेटिंग इंजन है, मैंने खुद भी उस पर काम किया है शुरू में जब आया था ना ये, तो उसी तरह चलता था। ये लेटेस्ट अप्रोच है ना, ये क्लाइंट और सर्वर को अलग अलग करने की ना, ये लेटेस्ट अप्रोच है। अच्छा, मैं असल में जब ही मैं कह रहा था कि मैं सही वाला जवाब दूंगा ना तो शायद तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अब रिएक्ट के अंदर भी ना एक चीज़ आ गई है जिसको हम कहते हैं SSR, सर्वर साइड रेंडरिंग, वो बहुत एडवांस चीज़ है, अभी वो फाइनल भी नहीं हुई गालबन, और हम इस कोर्स में उसको कवर भी नहीं करेंगे, लेकिन सर्वर साइड रेंडरिंग भी ना असल में काइंड ऑफ अ टेम्पलेटिंग इंजन है, काइंड ऑफ, जिसमें सारा पहले से सारा फ्रंट एंड मौजूद होता है सामने, लेकिन कुछ हिस्सा जो है ना वो पूरे पूरे पेज बन के आ रहे होते हैं सर्वर से, ठीक है, कुछ जगहों पे वो यूज़फुल है, वो बहुत एडवांस है, अभी सब लोग इसको यूज़ भी नहीं कर रहे गालबन, तो कहीं ना कहीं बैलेंस है। देखो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर चीज़ के, ये जो हम सर्वर पे JSON भेज रहे हैं और JSON मंगवा रहे हैं ना, इससे बेनिफिट क्या होता है कि पेज जल्दी लोड हो जाता है, डेटा जल्दी आता है और डेटा जल्दी जाता भी है, जल्दी जल्दी काम होता है, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसानात इसके ये हैं कि अगर बहुत बड़ा पेज है आपका, बहुत ज़्यादा डेटा है आपका, तो फिर बेहतर ये है कि पूरा पेज सर्वर से बना हुआ है, समझ लो, फिर बेनिफिट ये, तो सिचुएशन टू सिचुएशन ये वेरी करता है। मोस्टली जो आपको ज़रूरत पड़ेगी ना वो बहुत बड़ा डेटा नहीं आता, बहुत बड़े का मतलब है कि 5 MB का JSON आ रहा है, 5 MB का JSON बहुत बड़ा डेटा होता है, तो अगर इतना बड़ा डेटा आ रहा है ना तो फिर हमें क्या चाहिए, फिर हम वो 5 MB का पूरा डेटा नहीं मंगवाते, फिर हम पूरा कंपोनेंट बना के मंगवाते हैं, सही है, तो इस तरह से भी करते हैं। सर्वर साइड रेंडरिंग के नाम से एक चीज़ आ चुकी है रिएक्ट के अंदर भी, तो अब कैसे समझ गया, लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बोलूँगा कैसे बताऊँ कैसे, ऐसे बताऊँ कि कन्फ्यूजन भी ना हो और बात भी कन्वे हो जाए। तो पॉइंट ये कहने का कि भाई बहुत सारी अप्रोचेज हैं, जैसे जो जेंगो में तुम अप्रोच कर रहे हो EJS वाली, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है अप्रोच, वो बिल्कुल सही है,
लेकिन वो नहीं, उसमें मसला ये होता है ना कि अब आप डेटाबेस पढ़ाएंगे तो उसके अंदर जो ज़्यादा समझ में आएगा, असल में उसके अंदर मैं जो एसक्यूएल यूज़ करता हूँ तो उसके अंदर ये होता है कि फाइल जो होती है ना वही बनती है और वही सर्वर के ऊपर जाती है, लेकिन जैसे ही अब वो उसके अंदर कोई एडिट करो तो जो है ना दोबारा जब होस्ट करो तो वो जितना भी डेटा होता है वो सारा सर्वर से गायब, क्योंकि फाइल होती है उसके अंदर। तो अगर अलग अलग होगा फ्रंट एंड और बैक एंड तो फिर वो अलग अलग रहेगा, तो खाली फ्रंट एंड चेंज करने से बैक एंड का डेटा तो वही रहेगा ना। हाँ जी 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 ऐसा ही है। अच्छा बाय द वे जेंगो में भी आप मोंगो डीबी भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो मोंगो डीबी यहाँ यूज़ जी जी वो तो पता है जेंगो में भी हो सकता नहीं, बैकएंड और फ्रंट एंड रखने का मतलब मैं इसी वजह से पूछ रहा था अगर ये ज़रूरी है, क्योंकि साथ में एप्लीकेशन रखने से तो सारा डेटा उड़ रहा है ना, तो मैंने बोला शायद मैं गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपसे पहले पूछ लूँ। हाँ यही तो जवाब मैं तुम्हें दे नहीं पा रहा हूँ ना कि मैं बोलूँ कैसे ये, मैं क्या इसके लिए वर्ड यूज़ करूँ। अच्छा चलो कोशिश करता हूँ मैं। देखो जेंगो में भी REST API बन सकती है, जेंगो में भी ये वाली अप्रोच जो हम यहाँ पे कर रहे हैं रिएक्ट के साथ और नॉट जेएस के साथ, ये अप्रोच जेंगो में भी हो सकती है, लेकिन हम जेंगो में ये काम क्यों नहीं कर, मुझे नहीं पता, हो सकता है लोग करते भी हों, मुझे नहीं पता, ठीक है करते भी होंगे लोग। हम जो फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं ना, उस फ्रेमवर्क वाले ने उसको बोला है ना कि यार इसको ऐसे यूज़ करो, हम उसको वैसे यूज़ करते हैं। नॉट जेएस के ऊपर ज़्यादातर जो API लिखी जाती हैं वो REST API लिखी जाती हैं, तो हम इस पर REST API बनाएंगे। अब जेंगो वाले जो बताते हैं ना कि यार हमारा फ्रेमवर्क ऐसे यूज़ करो, तो आपको ये चाहिए कि उसको वैसे यूज़ करें आप, बावजूद इसके कि जेंगो में भी ये सारे ये वाली अप्रोच उसमें भी हो सकती है और जो जेंगो में अप्रोच कर रहे हो वो इसमें भी हो सकती है, दोनों वाइस वर्सा है। ठीक है मेरे ख्याल है ये जुमला काफ़ी है कि जैसे फ्रेमवर्क बनाने वाले ने बताया ना कि इसको ऐसे यूज़ करो डॉक्यूमेंट्स में, आपको वो फॉलो करना चाहिए, बेहतर ये है। ओके भाइयों अब ये तुम लोगों ने बनाया नहीं है तो बस अब ये बनाते हैं फिर पहले। अच्छा मैंने इससे पहले ये करके देखा है कि तुम लोगों को कहता हूँ बनाओ तो फिर ना फिर आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक दो दो स्टूडेंट गायब होते हैं, क्लास खाली हो जाती है। सर कंप्यूटर नहीं होता ना, मोबाइल पे कैसे बनाऊंगा मैं। तो आज हम करते हैं दूसरी अप्रोच, सारे बोरी अपना माइक ओपन कर लें और अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, आपसे आपको समझ में भी नहीं आया था तो मैं बताता जाता हूँ तुम बनाते जाओ और हम ये करेंगे आज की क्लास में। ठीक है सर चलो जल्दी से स्क्रीन शेयर कर लो। जी भाई सर मेरा मैंने RESTful API का बनाया लेकिन वो फॉर्म रीसेट हो रहा बार बार, वो डाटा जब भी डालें तो। चलो पहले तुम स्क्रीन शेयर कर दो तुम्हारा, देख लेते हैं फॉर्म क्यों रीसेट हो रहा। जी जी आवाज आ रही है। अच्छा ये मोहम्मद अहमद की स्क्रीन मेरे पास शो हो गई है। जी भाई अब अपना फॉर्म आप दिखाएं कि क्या उसमें रीसेट हो रहा है। जब भी डाटा डाल के एंटर करते हैं ना वो रीसेट हो। सही है चलाएं उसको, डाटा डाल के दिखाएं मुझे। अब पहले तो कंसोल ओपन कर लें, एरर कोई भी आएगा तो कंसोल में आएगा। अच्छा कंसोल में ना देखो छोटी सी एक सेटिंग आ रही है कोने पे, ये प्रिजर्व लॉग पे क्लिक कर दें, ये प्रिजर्व लॉग जो आ रहा है सामने लिखा हुआ है ये। हाँ बस अब आप चलाएं इसकी, ये मोबाइल डिवाइस भी हटा दें, ये मोबाइल क्यों बोला मोबाइल। ये देखिए ना एरर आ रहा है ना आपके पास, लाइन नंबर 42 में आपके एरर है, HTML की लाइन नंबर 42 में। चले जाएं अपने इंडेक्स की फाइल पे, चले जाएं 42 और लाइन नंबर पे चले जाएं। अच्छा लाइन नंबर 42 में ये कह रहा है कि भाई इस नाम से तो कोई है ही नहीं आईडी। अच्छा कैपिटल पी से आपने दिया है या स्मॉल पी से लिखा है इसलिए नहीं मिल रहा है ये। आप चला के देखें
कंसोल दोबारा ओपन कर लें। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि आपके सर्वर में एरर आ गया। अब सर्वर का एरर देखने के लिए आपको हरिको पे जाना होगा। हरिको ओपन कर लें। चले जाएं सर्वर के, नहीं नहीं न्यू नहीं बनाया, इसी सर्वर के अंदर चले जाएं जो बनाया हुआ है आपने पहले। अब जाएं आप मोर पे क्लिक करें और व्यू लॉग्स में चले जाएं। अच्छा व्यू लॉग्स में जाने के बाद इसको रीस्टार्ट भी कर दें सर्वर को, ताकि हमें पता चल जाए कि वो चलते ही एरर आ जाता है। मोर पे क्लिक करें, मोर पे, और यहाँ से रीस्टार्ट सर्वर कर दें, रीस्टार्ट ऑल डाइनो। अब ये देखते हैं ना ये चलते ही एरर आ जाता है या क्या बाद में आता है, रिक्वेस्ट जाते हुए जब आता है। अच्छा अभी देखें आपका सर्वर चल गया है। एग्जांपल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट इतना इतना। अब ज़रा दोबारा जाके हिट करें वहाँ से फॉर्म से अपने सर्वर को। सर आज का कंटेंट तो भाई ये था, मैंने MongoDB स्टार्ट करना था आज, लेकिन अभी मैं MongoDB स्टार्ट नहीं करूँगा, अभी मैं आप लोगों से पहले ये बनवाऊंगा। सर्वर पे वापस जाओ, लॉग्स देखो क्या है। लॉग्स ये कर दिया, यहाँ से हिट कर दिया सर्वर को। हाँ इसको शुरू से दिखाओ। यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, ये एरर आ रहा है। MJS लाइन नंबर 22 चले जाओ, देखो आ रहा है ना सर्वर डॉट MJS लाइन नंबर 22, यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। चले जाओ इस फाइल में लाइन नंबर 22 में, देखो क्या किया तुमने। सर कहाँ आ रहा है? सर्वर डॉट MJS की फाइल में आ रहा है ये। सर्वर डॉट MJS की फाइल खोलो, लाइन नंबर 22 में चले जाओ। हाँ ये कह रहा है लाइन नंबर 22 में ना यूजर्स डॉट पुश जो आपने किया है, ये यूजर्स कह रहा है ही नहीं। देखो वेरिएबल आपने जो बनाया ना लाइन नंबर 8 में बनाया है वेरिएबल आपने, ये तो वेरिएबल बनाते हुए आपने कैपिटल यू कर दिया है यूज़र को, और यहाँ पुश करते हुए आप स्मॉल यू कर रहे हैं, इसलिए एरर आ रहा है ये। अच्छा नहीं, बहुत सारी जगहों पर स्मॉल यू से किया हुआ है। बैक करें, वापस जाएँ, सब जगह चेंज करें आप। इसको यूज़र पे डबल क्लिक करें, बता रहा हूँ मैं आपको, यूज़र पे डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करें और कंट्रोल, अरे नहीं यार और भी है ना इसके अलावा। अब देखें ना लाइन नंबर 32 में भी एरर है, आपको दोबारा एरर आ जाएगा ये। लाइन नंबर 32 देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी एरर है, यूज़र्स में एस लगा हुआ है। और वो बाय द वे सही स्पेलिंग तो यही है ना, यूज़र्स ही है। चेंज स्पेलिंग टू यूज़र, चलें कर दें इसको भी चेंज कर दें। सही है। अच्छा मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया था कि एरे जो होता है ना, वेरिएबल एरे जो होता है, एरे के नाम के आखिर में एस लगाया जाता है, ठीक है। तो आपको, आपने एस नहीं लगाया, वेल अब चलेगा सही है कोड, लेकिन कन्वेंशन ये है कि यूज़र जो है ना वो एस लगा हुआ उसके अंदर। लाइन नंबर 33 में भी यही एरर है, लाइन नंबर 33 ऊपर से ही चेंज कर लेते। हाँ कंट्रोल जेड करके ऊपर ही एस लगा दें। कंट्रोल जेड करें, अब इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लें, राइट क्लिक करके फॉर्मेट करें और पुश कर दें फिर इसको। सही है, सेव करें और पुश कर दें इसको कोड को।
ये कोड आपका गिटहब है, गिटहब में जैसे ही पुश करेंगे ऑटोमेटिक हरिको पे चला जाएगा, तो उसको पुश कर दें। कैसे करेंगे पुश? सर इधर से हो जाएगा? हाँ, यहाँ से भी हो जाएगा, टर्मिनल से भी हो जाएगा, सब जगह से हो जाएगा। बस लिखे मैसेज, लिख के कमिट का बटन दबाएं और अच्छा सिंक चेंजेस, ये पुश हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, ठीक है जी, ये पुश हो गया। अब जाएं हरिको पे जल्दी से, देखें क्या हुआ है वहाँ पे। अभी इधर ही एक मिनट रुक जाएं। चलें ठीक है, ठीक है, रिफ्रेश कर दिया आपने, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे ना थोड़ी ये बिल्डिंग स्टार्टेड हो गया, ये बिल्डिंग स्टार्टेड ना, अभी ये थोड़ी थोड़ी देर लगाएगा, ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, सर्वर इज़ लिसनिंग ऑन फला फला पोर्ट। ये आया और आएगा, अभी आने दें इसको। ये रहा एग्जांपल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट 338, ये चल गया है। अब जाके दोबारा हिट करें इसको इधर से। हाँ ठीक है, यूज़र इस क्रिएटेड हो गया, बस तो हो गया मसला आपका हल। अब ये सबमिट का बटन दो दो क्यों है आपके, एक साइन अप एक सबमिट है, ये दो अलग अलग है। सर वो लिस्ट चेक करने के लिए बनाया तो उसका नाम। अच्छा अच्छा, चलें उसको भी देख लीजिएगा, उसमें भी ये कोई कह रहा है कि गलत आपने यूआरएल लगा दिया। सही है, अच्छा तो ये मसला आपका हल हो गया। अच्छा अब हमारे पास कौन है, अब हमें सारिब की स्क्रीन, अब हम आगे ये करने लगे हैं कि सारिब की स्क्रीन हम शेयर करेंगे और सारिब को मैं बताता जाऊंगा और वो कोड लिखता जाएगा, जो कल वाला कोड है जो आप लोगों को एज असाइनमेंट मिला था, जो आप बहुत सारे लोगों से नहीं हो पाए हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन उससे पहले बाबर भाई कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ भाई, ये एक छोटी सी एक स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन, एक टॉक थी छोटी सी 2 मिनट की। जी जी, याद है 4-5 दिन पहले सुबह 4 बजे जो कॉल की थी मैंने आपको? हाँ। इतना बड़ा मसला मेरा फंसा हुआ था, कोड पुश नहीं हो रहा था। हाँ। और वो भी क्लाइंट का कोड था। हाँ। तो मैं इस हवाले से बताना चाह रहा हूँ, इस कोर्स के हवाले से के मतलब देखने में तो ये मतलब इस जो कोर्स के पैसे है 4,000 तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतने होते भी नहीं है। तो ये तो बस भाई बंदी में एक बस है संजय साथ में कि आप करवा रहे। तो हुआ ये कि क्लाइंट ने मुझे काम किया, कह रहे हैं PDF PR इसके ना 2 बटन लगा के इस पर लिंक दे के डाल दे रहे कर देना। तो मैंने कहा ये तो है, कह रहे फेसबुक पे मुझे ये चल जाएगा, मैंने कहा वो तो PDF का एनवायरमेंट चलता है, फेसबुक के एनवायरमेंट में PDF चलेगा नहीं, तो उसको और भी जगह पर चाहिए था। तो मैंने कहा इसके लिए तो लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा मैंने ये चीज़ पढ़ी हुई थी यहाँ पे, तो बस मैंने उसको HTML में कन्वर्ट करके 2 बटन जो है रिस्पॉन्सिव वहाँ उसके अंदर सी के उस पर लगा के और उसके लिंक डाल के और आपके तवस्सुस से जो है वो क्या नाम है वो जो मैनुअल पुश किया था ना, कोड पुश किया था, वो रखा था वहाँ, वो बड़ा मेरा मसला हल हुआ था, दिल से दुआएं निकली थी। तो 10 मिनट का काम था, 12 पुश का अगर हटा दे काम तो जो मसला था, 10 मिनट के काम के ये जो मैंने अभी पढ़ा है, पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, मैंने 10 मिनट पे 10,000 कमाए थे। अच्छा वेल डन यार। तो 4,000 का ये कोर्स जो 2-3 महीने से अभी हो रहा है, अभी आगे रिएक्ट भी होगा, तो कुछ भी नहीं है 4,000, ये तो एक एक शुरू का पहला स्टेप था जिसमें इतने मतलब इन लोगों को बता रहा हूँ कि आगे रिएक्ट और ये चीज़ हम कर लेंगे ना और ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे तो ये तो कुछ भी देंगे, ये पैसे यहाँ पे ये क्या 4,000 रुपये दे रहा हूँ या फलाना कर रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप तो जब आप ऑनलाइन काम करेंगे तो आपके मिनट के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो 10 मिनट में मुझे क्लाइंट ने खुश होकर ना एक तो टिप भी दी थी और उसके $50 अलग भी दिए थे। तो बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा था, मोटिव टिप कितनी मिल रही थी भाई? हाँ कितनी मिल रही थी यार टिप? तो उन्होंने समझो काम था $45 का, टिप उन्होंने $10 दी थी तकरीबन, समझो ये फाइबर से कट कटा के जो है पाकिस्तानी में कन्वर्ट करो तो तकरीबन 10-10,000 रुपये बनते। अच्छा वेल डन यार बाबर भाई, आपने यार बहुत
अच्छी चीज़ शेयर की है। अच्छा प्लीज़ आप बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर कोई अचीवमेंट करें, अगर इस कोर्स से आपको कोई फ़ायदा होता है फ्यूचर में, तो फेसबुक पे उसकी एक पोस्ट लगाया करें कि भाई मैंने फला जगह से ये पढ़ा था और मुझे ये बेनिफिट हुआ। तो वैसे तो मैं ख़ुद भी आप जो बनाते हैं वो दिखाता रहता हूँ सब लोगों को, तो उससे देखें बेनिफिट ये होगा कि एक तो आपकी मार्केटिंग होगी, ठीक है, कि आप डेवलपर हैं, लोगों को पता चलेगा कि भाई आप काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो जिन लोगों की ज़रूरत होगी वो आपको अप्रोच करेंगे। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जैसे इस कोर्स में हमारे पास 27 लोग हैं इस वक्त, ठीक है, तो हम लोगों ने 100 लोगों से शुरू किया था ये कोर्स, तो अभी 27 है यहाँ पर। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ढूंढ रहे होते हैं इस तरह के कोर्सेज ना, कि यार कहीं से मुझे मिल जाए, कहीं से मैं सीख लूँ, तो वो जब देखेंगे ना, तो आपकी वजह से वो जब इस कोर्स का पार्ट बनेंगे, फिर जाहिर है वो पढ़ के यहाँ से फिर जब पैसे कमाएंगे तो उसका आपको भी कहीं ना कहीं सवाब मिलेगा थोड़ा बहुत। तो यानी लोगों की मोटिवेशन के लिए, अच्छा वो सवाब की भी बात नहीं है यार, मैं तो इसलिए देखो पढ़ाता हूँ, जो एजुकेशन मेरा सबसे बड़ा कॉज है, तो उसका रीज़न ये है कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ उस जगह की बेहतरी के लिए अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मेरे आने वाले बच्चे जो नस्लें हैं वो भी इसी जगह पे रहेंगी, इसी जगह पे उन्होंने रहना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ जब वो यहाँ पे रहें तो ये जगह उससे कुछ बेहतर हो एटलीस्ट, ठीक है। तो इसलिए जब आप किसी को, एक चाइनीज़ मुहावरा है, चाइना में मुहावरा बोलते हैं कि फ़िश आप ना ख़रीद के नहीं दो किसी को, फ़िश पकड़ना सिखा दो। फ़िश ख़रीद के देने में मसला ये है कि आप सुबह देंगे उसको, सुबह खा लेगा वो, शाम को उसको दोबारा भूख लगेगी तो फिर उसको देना पड़ेगा आपको। लेकिन फ़िश पकड़ना सिखा देंगे अगर आप, तो फिर आपके पास उसको आने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद जाएगा अपना फ़िश पकड़ेगा, खाएगा। सर कथा कला में जी, सर ये चाइनीज़ मुहावरा नहीं है, ये हमारे यहाँ के अब्दुल सत्तार एदी साहब का मुहावरा है। अच्छा, उनका कहना है। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो चाइना में ऐसे बोलते थे। हाँ, सर ये असल बात है कि हमारे पाकिस्तानी की बात है ना, हम क्यों अपने पाकिस्तानी को डिग्रेड करें। अच्छा, बहरहाल किसी का, और बात सही है, ऑब्वियस बात है, कोई बात कोई भी कहे, अगर अच्छी बात कोई भी कह रहा है तो उसको हमें लेना चाहिए, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो पाकिस्तानी है या चाइनीज़ है या कोई भी है, अच्छी बात कहीं से भी मिले तो ले लेनी चाहिए। अच्छा, तो खैर चलो भाई सारे गौरी, एक मिनट, ये जी जी बाबर भाई, फेसबुक पे आपने कहा है ना कि जो भी चीज़ हो, मतलब इस तरह की चीज, मतलब कोई सक्सेस हुई है आपको, मतलब क्लाइंट से काम किया आपने, मोटिवेशन के लिए लगा था। अब मैंने एक दो दफा लगाया था तो वहाँ पे दोस्त यार कह रहे यार, अरे भाई आज तो यार इतना कमा लिया, चलो खापे पे चलते हैं, तो खापे के चक्कर में नहीं लगा। अच्छा, हाँ यार सर मैंने शेयर किए हैं। सर ये हम ऑनलाइन वर्क कैसे लें, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ऑनलाइन क्या कैसे लें? ऑनलाइन जैसे भाई ने लिया, पावर भाई ने लिया, ऑनलाइन काम। fiverr.com पे जाओ, वहाँ पे प्रोफाइल बना लो अपनी, fiverr.com है ना, उस पे प्रोफाइल बना लो, वहाँ पे होता है ये। अच्छा, ठीक है, मैं ये लिंक में तुम्हें इसका नाम भी भेज देता हूँ, फाइवर। अच्छा सारे, सबसे पहले तो अपनी स्क्रीन थोड़ी सी जूम इन कर दो। इतनी ठीक है सर? हाँ इतनी ठीक है। अच्छा अब सर्वर में जाओ, सबसे पहले सर्वर में ही हो तुम, बल्कि बनाओ एक नई न्यू एपीआई, बनाओ एक न्यू एपीआई बनाओ यहाँ पे, ऐप डॉट गेट करके। ये होम और वेदर हटा दो ना ये ऊपर से, ये होम और वेदर हटा दो ऊपर से, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ये लाइन नंबर 4 से लेके लाइन नंबर 17 तक ये पूरा डिलीट कर दो। सर एक सवाल है छोटा सा, वो जो कोर्स जो हमने इंपोर्ट किया था, जो लाइब्रेरी वो जो इंस्टॉल की थी, वो जरूरत उसकी पड़ती है डेवलपमेंट टाइम पे? जी वो कोर्स टाइम है जी, वो कोर्स जब हम लगाएंगे ना तो उसके बगैर तो वो काम ही नहीं करता। ये कोर्स पॉलिसी होती है गूगल क्रोम का, ये सिक्योरिटी फीचर है जिसकी वजह से हमें ये लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो आपकी ऐप ना गूगल क्रोम पे काम नहीं करेगी, बस और कोई मसला नहीं है। ओके, अच्छा यहाँ पे बनाओ एक नई एपीआई बनाओ सारे, ऐप डॉट साइन अप, ऐप डॉट पोस्ट साइन अप। ब्रैकेट ओपन क्लोज करो, नहीं नहीं ब्रैकेट ओपन क्लोज करो, क्या कर रहे हो, डबल कोटेशन में लिखो स्लैश साइन अप। सर कोड सही नजर नहीं आ रहा कोड। सारे थोड़ी स्क्रीन अपनी और जूम इन करो। सर
सर कर ली। हाँ चलो अभी सही आ रहा है बता देना। अब डबल कोटेशन के बाद कॉमा लगाओ और इसमें एक एरो फंक्शन बनाओ। सर इनको इंपोर्ट भी कितना पड़ेगा एक्सप्रेस एक्सप्रेस को और कोर्स को? अरे यार हाँ इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। बाबू तुम एक काम करो, इसको तुम पूरी फाइल को हटा के ना शुरू से बनाओ, गिटहब में जाके नई रिपोजिटरी बनाओ, वहाँ से स्टार्ट करो, इसको पूरा बंद कर दो क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें तुमने नहीं की हुई हैं। सही है, इसको बंद कर दो पूरे कोड को, github.com पे जाओ, बिल्कुल शुरू से करते हैं। ठीक है, क्या नाम लिखोगे इसका? इसको लिखोगे तुम लॉगिन साइनअप, लॉगिन डैश साइनअप, स्लैश नहीं आता इसमें, डैश लगाओ। ठीक है, और साथ में डैश लगा के एक्सप्रेस भी लिख दो। चलो खैर खैर सही है, क्लोन कर लो इसको। अब क्लोन कैसे करोगे? कॉपी करो इस लिंक को, इस लिंक को कॉपी करो जो URL आ रहा है, कॉपी कर लिया। अब अपनी मशीन में जाके एक जगह पे इसको बंद कर दो, इसको क्लोज कर दो पूरे को, VS कोड को। अच्छा कहाँ पे बनाओगे, कहाँ पे फोल्डर बनाओगे अब तुम? अच्छा देखो, इसको ना रखने का प्रॉपर तरीका मैं तुम्हें समझाऊँ क्या होता है। सी ड्राइव में जाओ, सी ड्राइव में जाओ, सी ड्राइव के रूट पे जाओ। हाँ सी ड्राइव के अंदर जाओ, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाओ प्रोजेक्ट्स के नाम से, अंडरस्कोर लगाओ शुरू में, इसके अंडरस्कोर लगाओ ताकि ये टॉप पे आए हमेशा। शुरू में अंडरस्कोर लगाओगे ना टॉप पे रहेगा ये, फिर अंडरस्कोर पता है? हाँ आप प्रोजेक्ट्स लिख दो इसको। ठीक है सर। हाँ जाओ इसके अंदर जाओ। अब तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट ना यहाँ पे होने चाहिए, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करो, शिफ्ट पकड़ के राइट क्लिक करो। हाँ चलो यहाँ से भी हो जाता है, CMD लिख के एंटर कर दिया तुमने। ठीक है, गिट स्पेस गिट क्लोन और स्पेस फिर URL, गिट क्लोन। स्पेस URL भी तो डालो, दो दफ़ा तुमने गेट गेट लिखा हुआ है, सिर्फ एक दफ़ा गेट लिखो स्पेस क्लोन। मैं बोल दो दफ़ा रहा हूँ तो तुम लिख भी दो दफ़ा रहे हो, एंटर। सही है, CD करके इस फोल्डर के अंदर जाओ, CD करके लिखो LO और टैब दबा दो, टैब का बटन दबा दो, हाँ एंटर कर दो। सही है, यहाँ पे लिखो कोड स्पेस डॉट डॉट डॉट, नहीं नहीं डैश नहीं, हाँ डॉट, एंटर। सही है, इससे क्या होगा, ये फोल्डर तुम्हारा VS कोड में ओपन हो गया। ठीक है सही है, अब VS कोड को तुम मैक्सिमाइज कर लो, बड़ा कर लो इसको। VS कोड को क्या करोगे, मैक्सिमाइज कर लो। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले कौन सी फाइल बनाओगे अब तुम? कोई फाइल नहीं बनाओगे, टर्मिनल खोल के पहले इनिट करोगे, गिट इनिट करो और npm इनिट करो। टर्मिनल कैसे ओपन होगा? कंट्रोल प्लस बैकटिक। सही है, अच्छा यहाँ पे लिखो npm init, सही है, एंटर करते जाओ एंटर करते जाओ। एंटर एक और, सही है हो गया। अच्छा अब उसके बाद बनाओगे तुम जाके index.mjs या server.mjs के नाम से एक फाइल बनाओ, फाइल बनाओ, न्यू फाइल। mjs एंटर कर दो। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे तुम, एक्सप्रेस लिखना है ना इसके अंदर, जाओ गूगल पे एक्सप्रेस की वेबसाइट खोलो, इसमें पूरा क्या लिखूं? एक्सप्रेस जेएस, जेएस
एंटर कर दो पहले वाले में, ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करो, टॉप पे जो लिखा हुआ है देखो, गेटिंग स्टार्टेड में सबसे पहले इसने क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल करना बताया हुआ है, npm install express, ठीक है। npm init तो हम चला चुके हैं, उसके बाद npm install express है। जाओ ये कमांड चला दो जल्दी से, डॉलर हटा देना इसमें, डॉलर नहीं लगाना यार। ये तुम्हारे पास दो दो VS Code क्यों खुला हुआ है, इसको बंद करो इस VS Code को। अरे भाई तुमने वो वाला बंद कर दिया, तुमने वो वाला बंद कर दिया जो अपना वाला था, इसको इस वाले को क्लोज करो अभी फ़िलहाल। नहीं नहीं इसको क्लोज कर दो, क्लोज दोनों सारे VS Code पूरा बंद करने, मैंने तुम्हें इसीलिए तो बोला था, बंद कर दो, सेफ 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 पूरा बंद कर दो इसको। वापस जाओ उसी फोल्डर में जहाँ प्रोजेक्ट्स वाले में, यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर चले जाओ। क्लास में MongoDB स्टार्ट होगा या नेक्स्ट क्लास में होगा? यार मुझे लग नहीं रहा आज हम कर पाएंगे MongoDB स्टार्ट, करना तो मुझे आज था वैसे, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे आज हम। जाओ CD करके उस प्रोजेक्ट में जाओ, CD स्पेस L और टैब दबा दो, एंटर, दोबारा कोड स्पेस डॉट लिखो, सही है, ये VS Code में ओपन हो गया। तो मैक्सिमाइज कर लूँ, अच्छा यहाँ पे अब क्या कमांड लिखोगे तुम, npm install express। अच्छा कोई इस क्लास में ऐसा है जिससे लॉगिन और साइनअप दोनों बन गए और दोनों की स्क्रीन भी बना चुका हो? npm install की स्पेलिंग गलत है, npm i कर दो, चलो छोड़ो इंस्टॉल पूरा नहीं लिखो, i से भी हो जाता है। अच्छा इस क्लास में कोई भी ऐसा है जिससे लॉगिन और साइनअप दोनों बन गए हो और स्क्रीन पे वो स्क्रीन भी बन गई हो उसकी, कोई है ऐसा? असल में मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम, ये npm i express npm की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है तुमने, npm स्पेस i स्पेस एक्सप्रेस, ठीक है एंटर हो गया। ये तुम्हारा एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया, ठीक है इंस्टॉल हो रहा है अभी ये, वापस जाओ उस पर एक्सप्रेस की वेबसाइट पे। नेक्स्ट करो हेलो वर्ल्ड जो नीचे आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है, हाँ जाओ ये हेलो वर्ल्ड का पूरा कोड कॉपी करो यहाँ से, लागे पेस्ट कर दो यहाँ, सही है पेस्ट हो गया। अब देखो जो सबसे पहली लाइन है ना टॉप पे रिक्वायर वाली जो लाइन है, इसको इस पे छोटा सा देखो 3 डॉट बना हुआ आ रहा है, इसको चेंज करो ES6 में चेंज करो, ये पुराना कोड है, छोटा सा 3 डॉट आ रहा है उस पे हाथ रखो, रिक्वायर के R के नीचे 3 डॉट आ रहा है, हाँ इस पे हाथ रखो R के इस पे, देखो क्विक फिक्स का बटन दबा दो, क्विक फिक्स आ रहा है छोटा सा, हाँ कन्वर्ट टू ES मॉड्यूल, ये कन्वर्ट हो गया, सेव कर दो। अब इसको चलाओगे कैसे, चलाने के लिए package.json में जाओ, package.json की फाइल में जाओ, package.json, इसमें स्टार्ट की स्क्रिप्ट लिखो, स्टार्ट की स्क्रिप्ट लिखते हैं ना इसके अंदर, लाइन नंबर 7 के आखिर में जाके कॉमा लगाओ, एंटर करो, लाइन नंबर 7 में मेरा बच्चा, यहाँ नहीं लिखोगे, हाँ यहाँ पे जाओ लास्ट में कॉमा लगाओ, लाइन नंबर 7 के लास्ट में कॉमा लगाओ, एंटर करो, एंटर करो ना कॉमा लगा के, एंटर करो ना बाबू, हाँ माइक ओपन है तुम्हारा? जी सर। हाँ तो ये इंस्टॉल नहीं लिखना ना तुम्हें, हटाओ इसको, कॉमा के बाद एंटर करो ना, स्टार्ट डबल कोटेशन में लिखो, स्टार्ट स्टार्ट, सही है, यहाँ पे लिखो नॉड स्पेस और तुम्हारी फाइल का नाम क्या है, index.mjs लिख दो, सही है सेव कर दो इसको, ठीक है बंद कर दो package.json को। अच्छा अब नीचे आओ टर्मिनल में आके, अब क्या लिखोगे, npm start लिखोगे, चल जाएगा ये। सर वो इसके नीचे वो भी लिखवा दें जो
एन पी एम स्टार्ट क्या लिखवा दूँ बोलो सर, जिससे सर्वर वुड स्टार्ट हो जाए। अलाउ, यार ये तुमसे अलाउ क्यों पूछ रहा है, तुमने एक बार भी सर्वर रन करके नहीं देखा क्या? ये अलाउ तो बिल्कुल पहली दफ़ा जब चलता है जब पूछता है। वेल अच्छा क्या बता रहे थे तुम, क्या लिखवा दूँ मैं? हाँ नॉट मॉन। अच्छा वापस जाओ पैकेज डॉट जेसन में और डेव की भी कमांड लिख दो, स्टार्ट के कॉमा लगाओ लास्ट में लाइन नंबर 8 के, एंटर करो, डेव लगाओ, डेव डेव और उसके बाद लिखो नॉट मॉन और स्पेस तुम्हारी फाइल का नाम। बाहर बाहर भाई बाहर, डेव के सामने वैल्यू में लिखो, डेव तो की हो गई ना, वैल्यू लगाओ उसकी, जैसे स्टार्ट लिखा है वैसे ही लिखोगे बिल्कुल। हाँ डबल कोटेशन में लिखो नॉर्डमॉन, एन ओ डी एम ओ एन, नहीं नॉर्डमॉन मिला के स्पेस फाइल का नाम, फाइल का नाम इंडेक्स डॉट एम जी एस है ना, इंडेक्स डॉट एम जी एस है। सही है, सेव करो, ठीक है। अब टर्मिनल में जाके रोको, जो सर्वर चल रहा है इसको रोक दो, रोक दो कंट्रोल सी करके। अब चला दो डेवलपर वाला, चला दो इसमें जो अभी हमने बनाया, क्या लिखोगे उसके लिए? npm run dev, अब ये तुम्हारा सर्वर चला है। अब जो नॉर्डमॉन इंस्टॉल ही नहीं है तुम्हारे पास, नॉर्डमॉन इंस्टॉल कैसे होगा? npm i nordmon और npm i nordmon, सही है, माइनस जी भी लगा दो साथ में, चलो खैर है, सही है, ठीक है, वो ग्लोबल ही होगा खुद ही। अच्छा चलाओ अब npm run dev, सही है, ये तुम्हारा हेलो वर्ल्ड जो है वो चल के रन होके सेट हो गया अभी। अच्छा अब इसको हरिको पे भेजने के लिए हमें छोटी छोटी चेंजेस करनी होती हैं। लाइन नंबर 3 में जो पोर्ट लिखा हुआ है, पोर्ट लिखा हुआ है, इसमें 3000 नहीं होगा, इसमें क्या होगा? env.process. और कैपिटल से पोर्ट पूरा port सारा कैपिटल। सर इसमें प्रोसेस पहले भी लिख सकते हैं ना इसे, env से पहले? हाँ प्रोसेस डॉट env होता है यार, सही कहा तुमने, प्रोसेस डॉट env होता है, env डॉट प्रोसेस नहीं होता है, प्रोसेस डॉट env होता है डॉट। वेल डन, गुड। अब उसके आगे और नहीं, नहीं अब और लगाओ इसके आगे, पोर्ट के बाद और लगाओ, और का साइन लगाओ, और का साइन, और 3000 लिख दो। अब इसको हरिको पे डिप्लॉय करना है, सही है। अब ये हरिको पे कैसे डिप्लॉय होगा? ये हेलो वर्ल्ड तैयार हो चुका है तुम्हारा, अब ये हरिको पे डिप्लॉय होने के लिए तैयार है। जाओ हरिको पे जाओ। सर मेरा हरिको का अकाउंट ना पासवर्ड फॉरगेट नहीं हो रहा। आ जाओ फिर फॉरगेट भी करवा देता हूँ तुम्हारा, रीसेट आया हुआ तो है, नया पासवर्ड डालने का, डाल दो नया पासवर्ड इसमें। इस पे राइट क्लिक करके ना सजेस्ट पासवर्ड आता है, वो लगा दिया करो, वो सही होता है। अभी नहीं आएगा, वो खाली करोगे फिर आएगा। अब आप राइट क्लिक करो आएगा। यार ये क्या सीन है, आ रहा नहीं है, चलो हाथ से ही लिख दो, छोड़ो।
ये कह रहा है ये तुम्हारा लिंक एक्सपायर हो गया है पासवर्ड रीसेट का, सही है, दोबारा से करो रीसेट, जाओ हरिको पे जाओ, harico.com, सही है। हरिको पे दो चीजें पूछता है, क्रिएट न्यू ऐप और क्रिएट न्यू पाइपलाइन, ये पाइपलाइन क्या चीज होती है सर? पाइपलाइन जो है वो हरिको का ना अपना एक इंटीग्रेशन सिस्टम है, जैसे कोई सर्वर आप डिप्लॉय करते हैं तो पहले उस पर टेस्ट रन करें, फिर उसके ऊपर कुछ चेक्स रन करें, फिर उसको चलाएं, उसको पाइपलाइन कहते हैं। लेकिन हम फिलहाल वो कवर नहीं कर रहे और उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, आप यानी नॉर्मली उसकी ज़रूरत नहीं होती, जब तक आप कोई ऑटोमेशन नहीं बनाना चाह रहे जब तक उसकी ज़रूरत नहीं है। सही, गूगल के जो क्रोम के एक्सटेंशन बनते हैं वो भी इसी तरीके से बनते हैं। हाँ यार, ये तुमने फिर पुराना पेज क्यों खोल लिया, इसको बंद करो ना, पुराने पेज को, ये पुराना वाला खोल लिया ना तुमने दोबारा? नहीं सर, नहीं। अच्छा चलो लिखो लिखो, पासवर्ड लिखो। यार गूगल क्रोम के एक्सटेंशन जो है वो भी, जी हाँ, HTML, CSS और JavaScript में लिखे हुए होते हैं वो। तो सर क्या इनको रजिस्टर बाद में करवाना पड़ता बना के? जैसे प्ले स्टोर पर पब्लिश होती है ना ऐप, इसी तरह यहाँ पे भी पब्लिश होती है, वो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं गूगल के पूरे, कि वो कैसे बनती है कैसे पब्लिश होती है, वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर हो सके तो लिंक दे दीजिएगा ना, अगर आपके पास हो। नहीं, आप खुद ही वो सर्च करेंगे ना गूगल, गूगल क्रोम एक्सटेंशन और डिवेलपर डॉक्स, तो आ जाएगा वो। चलो। हाँ भाई, पासवर्ड हैज़ बीन सेव्ड, लॉग इन कर लो अब। सही तो है, लॉगिन तो आया, वह करो ना। अबे क्या कर रहे हो तुम, लॉगिन कर लो यहाँ पे अब जल्दी से। अच्छा स्किप स्किप करो भाई, इसको लेटर करो। अबे भाई ये नहीं करना था, इसको लेटर करो। असल में इनका अपना एक कोड जनरेटर है, वो है तो अच्छी चीज़, लेकिन वो फिर मसला होता है बहुत ना, वो कोड आता नहीं है उसके अंदर। अच्छा इसको डिलीट कर दो, इस ऐप को जो पहले से बनी हुई है, जाओ इसके अंदर जाओ, डिलीट करो इसको, इसके अंदर जाके हो गई है, सेटिंग में जाओ, लास्ट में बिल्कुल आ रहा होगा डिलीट। देखो इसमें क्या लिखने कह रहा है, वो लिख के फिर डिलीट का बटन दबाओ। हाँ ब्रैकेट नहीं भाई, ब्रैकेट नहीं, बगैर ब्रैकेट के। अच्छा अब न्यू एप्लीकेशन बना लो, नाम इसका वही रख दो जो रिपोजिटरी का रखा है, ताकि ना पता चले किसके लिए बना हुआ था, लॉगिन डैश साइन अप कर दो। अच्छा लॉगिन डैश साइन अप अवेलेबल नहीं है ना, तो डैश लगा के कुछ और भी लिख दो, ABCD लिख दो आगे कुछ। अबे हो, हाँ वन सही है, 1 2 3 सही है। अच्छा कनेक्ट टू गिटहब, अच्छा कोड हमने पुश तो नहीं किया ना गिटहब में अभी तक, कर लो वैसे कनेक्शन। अरे ये क्या सीन हो गया यार, करो दोबारा करो, कनेक्ट तो गिटहब करो दोबारा से। हो गया कनेक्ट, रिपोजिटरी का नाम लिखो इसमें, क्या ना, हेलो लॉगिन साइनअप था, लॉगिन डैश साइनअप लिख दो। सर्च नहीं नहीं ये तो रिपोजिटरी का नाम थोड़ी था, ये रिपोजिटरी का नाम सिर्फ लॉगिन साइनअप है। हाँ आ गया, कनेक्ट का बटन दबा दो। सही है। अच्छा अब स्क्रॉल डाउन करो हल्का सा, इनेबल ऑटोमेटिक डिप्लॉय कर दो,
इनेबल ऑटोमेटिक स्क्रॉल करो नीचे, नहीं आ रहा। अच्छा वो कोड नहीं है ना रिपोजिटरी में कुछ, इसलिए नहीं आ रहा। कोड पुश करो, वी एस कोड में जाओ। अभी मैं कोड पुश नहीं किया, हमने लिख तो दिया पुश नहीं किया। अच्छा यहाँ कोड कैसे पुश करोगे? कोड लिख पुश करने से पहले दो काम करना है। नंबर एक गिट इग्नोर बनाना है, क्योंकि नॉट मॉड्यूल को हम भेजना नहीं चाहते वहाँ पर, सही है? नॉट मॉड्यूल को तो न्यू एक फाइल बनाओ जिसमें लिखो गिट इग्नोर, उसका नाम डॉट गिट इग्नोर के नाम से एक नई फाइल बनाओ। इसके अलावा वो भी ऐड करेंगे ना, इसमें क्या नाम है, ऐप डॉट यूज जो लिख के करते हैं एक्सप्रेस डॉट जेसन, अभी वो देखते हैं हम। हाँ वो भी करेंगे वो भी। अच्छा इसमें लिखो नॉट अंडर स्कोर मॉड्यूल्स, सर अब। अच्छा सेव कर दिया तुमने वो? शक जी सर, एस नहीं लगाया, एस नहीं लगाया, मॉड्यूल की स्पेलिंग भी गलत है, ई लगाया जी। ये देख कर लिखो ना जो यहाँ फोल्डर का नाम है ना, सेम यही नाम लिखना है। अच्छा कर दिया, हाँ हो गया। अब इसको रोको, सर्वर को रोक के कमिट और पुश कर दो दोनों ना, सर्वर को रोक दो, सर्वर जो चल रहा है ना इसको कंट्रोल सी से रोकना, रोकना होगा। अब इसको गिट ऐड स्टैरिक, गिट कमिट और वो पुश पूरा जो होता है ना मैकेनिज्म, तीनों वो कर दो। सर ऐसे ही चलाऊं ना गिट ऐड डॉट? हाँ हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। सही है गिट कमिट। सर डायरेक्ट गेट पुश कर दूँ आप? हाँ सही है, पुश हो गया। अब जाओ गिटहब में देखो पहुंच गया ये। सर सही है, आप जाओ हरिको में जाके रिफ्रेश करो, वहाँ पे बटन आ जाएगा, वो बटन जो नहीं आ रहा था। रिफ्रेश करो या बटन आ जाना चाहिए अब। सर आ गया सही है। इनेबल ऑटोमेटिक डिप्लॉय और डिप्लॉय ब्रांच, ये दोनों काम कर दो जल्दी से। सही है,
अब ये तुम्हारा सर्वर हरिको पे चल गया है कि नहीं चल गया, जाके लॉग्स में देखो, ऊपर टॉप पे चलो, ऊपर लॉग्स आ रहे होंगे इसके। सर है ही नहीं। ओ मोर में क्लिक करो ना, मोर के अंदर लॉग्स आ रहे होंगे, मोर पे क्लिक करो। सही है, देखो एग्जाम्पल ऐप लिस्निंग ऑन फला फला पोर्ट, ये आ गया। इसका मतलब है तुम्हारी ऐप अब हरिको पे भी सही से प्रॉपर चल गई है। ठीक। अच्छा अब अगला काम क्या करना है तुम्हें, अब वापस आ जाओ ऐप में, अब हम लॉगिन और साइन अप के जो है ना एपीआई बनाना शुरू करते हैं प्रॉपर। सही है, चलो अब एक नई एपीआई बनाओ, ऐप डॉट गेट है ना ये स्लैश जो लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे नहीं बनाओ, यहाँ पे नहीं बनाओ, लाइन नंबर 8 में बनाओ, यहाँ पे बना दो ऐप डॉट पोस्ट साइन अप। स्लैश साइन अप करोगे ना, स्लैश साइन अप करो, उसमें पूरा लैम्डा फंक्शन डालो, सर इसमें क्या डालूं? इसमें जैसे ऊपर लगा हुआ है ना कॉमा डाल के लैम्डा फंक्शन डालो इसमें। सर ये पूरा? हाँ नहीं नहीं तुम उसको कॉपी नहीं करो ना, हाथ से लिख दो ना, छोटा सा दो है, कॉमा डालो, लैम्डा फंक्शन बनाओ यहाँ पे, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, सर अब इसमें बॉडी के अंदर तुम्हें डेटा मिलेगा, जाहिर है बॉडी के अंदर तुम्हें डेटा मिलेगा ना, अब इसमें बॉडी से डेटा उठाओ यार, तुम्हें बिल्कुल ही बिल्कुल भी तुमने प्रैक्टिस नहीं की है मुझे लग रहा है क्योंकि एक एक वर्ड तुम्हें बताना पड़ रहा है फिर जाके तुम कर पा रहे हो है सारे। सर मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी यार। नहीं पहली बात ये देखो, समझ में आएगा तो वो बाद में ना, लेकिन पहले जो मैंने कोड लिखवाया था वो अपने हाथ से देखकर तुमने लिखा नहीं है एक दफ़ा भी। सर लिखा था मैंने। तो फिर तुमने विंडो नहीं किए क्या? सर वो पूरा मेरा कोड सब उड़ गया था। अच्छा जी चलो सही है, तो इसमें साइन अप का पूरा फंक्शन लिखो ना जो लास्ट क्लास में मैं लिखवा चुका हूँ, अगर तुमने अपने हाथ से लिखा होगा तो तुम्हें पता होगा वो कैसे लिखा जाता है, अब वो मुझे लिख के बताओ। सर मैंने पूरा साइन अप फॉर्म बनाया है, वो उसका कोड पूरा है ना? नहीं मसला ये है कि तुम्हें अभी लिखना नहीं आ रहा ना, बात ये है। अब प्रॉब्लम देखो ये है कि अगर मैं इस तरह तुम्हें एक एक वर्ड बाई वर्ड बताऊंगा ना तो ये क्लास तो फिर 4 घंटे में भी ख़त्म नहीं होगी। नहीं सर ऐसा नहीं है। तो इसका तुम साइन अप का फंक्शन बनाओ ना जल्दी से, बॉडी से डेटा उठाओ, डेटा को चेक करो, उसमें नल चेक करो डेटा में,
ठीक है, अगर बॉडी में डेटा है तो फिर उसको एक वेरिएबल बनाओ, उसमें पुश करवाओ, ये सारे काम तो तुम्हें करने पड़ेंगे ना, क्योंकि जी ये सर तो सिंपल जावा स्क्रिप्ट है ये तो। जी, चलो जल्दी से करो फिर, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, जो लोग हैं ना जिनसे नहीं हो पाया था वो भी प्लीज़ ये साथ साथ करते जाएं, ताकि उनका भी अगर कहीं पे मसला है तो वो हल हो जाए। सर जी, हेलो सर, मेरा डिप्लॉय करने के बाद जो है सर्वर काम नहीं कर रहा। सर्वर में लॉग्स आपने देखे हैं एरर के? देखे, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एरर के लॉग में ना जो मैसेज आ रहा है वो पढ़ के बताएं, मैसेज एरर का। सर मैं एक मिनट, सर मैं ओपन ऐप कर रही हूँ तो कैन नॉट गेट आ रहा है। नहीं, ओपन ऐप से तो नहीं खुलेगा ना, वो एपीआई है, वो तो एपीआई की तरह हिट होगा ना, ओपन ऐप से तो नहीं खुलेगा वो। फिर मैं उसको हिट कर रही हूँ तो अनडिफाइन आ रहा है। नहीं हिट नहीं। अच्छा, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दें मुझे वो। एक सर ये शेयर नहीं हो रही। शेयर में क्या एरर आ रहा है? क्रोम वांट्स टू शेयर द कंटेंट ऑफ योर स्क्रीन विद नीर गूगल। छोटी सी एक स्क्रीन आ रही होगी आपके पास, छोटी सी स्क्रीन का एक फोटो आ रही होगी, उस पर क्लिक करें फिर शेयर इनेबल होगा। शेयर का बटन डिसेबल है ना? जी हाँ, तो वो छोटा सा ना उसी शेयर के बटन के ऊपर छोटी सी स्क्रीन आ रही है, उसको आप सेलेक्ट करें फिर शेयर होगा वो। अभी भी नहीं हो रही। देखें, आपके पास जो पॉपअप खुला हुआ है ना, डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है, तो उस डायलॉग बॉक्स में बीच में एक स्क्रीन आ रही है छोटी सी। जी वो कर लिया। उसके ऊपर क्लिक करें, उसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करें फिर शेयर का बटन दबाएं। कर लिया। अच्छा, शेयर का बटन अभी भी डिसेबल है आपका? नहीं, उसके बाद भी कोई एरर आ रहा है। अच्छा, क्या है वो एरर, पढ़ के बताएं। कांट शेयर योर स्क्रीन, गूगल माइट नॉट हैव स्क्रीन रिकॉर्डिंग परमिशन ऑन योर कंप्यूटर। अच्छा, तो आपके फिर कंप्यूटर में कोई परमिशन का इशू है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रही हैं आप? लिनक्स? मैक। मैक, अच्छा, तो आप जाएं प्रेफरेंस में, जाएं सेटिंग जो होती है ना मैक की, वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाएँ, आपके पास आ रहा होगा वहाँ पर एक परमिशन का, तो वहाँ से अलाउ करना होता है उसको। पहली दफ़ा पूछता है ये, उसके बाद दोबारा नहीं पूछेगा आपसे ये। मिल गया आपको? एक मिनट सर, दोबारा से बता दें। सेटिंग में जाएं, सेटिंग के अंदर जाके ना सिक्योरिटी में जाएं। हाँ चली गई। सिक्योरिटी में आप जाएंगे जैसे ही, तो उसमें अलाउ एक्सेस लिखा हुआ आ रहा होगा, एक बटन आ रहा होगा वहाँ पे, गूगल क्रोम आ रहा
नहीं, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा वहाँ पे। सिस्टम प्रेफरेंस में गए आप और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आप गए। अब सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाके ना जर्नल पे क्लिक करें आप, ऊपर जो आ रहे हैं जर्नल जी। जर्नल पे क्लिक करने के बाद नीचे ना जहाँ पे ना अलाउ एप्स डाउनलोड फ्रॉम, उसके नीचे एक बटन आ रहा होगा अलाउ एनीवे, इस तरह करके कुछ लिखा हुआ होगा है। नहीं यहीं पे ही आता है। अब देखें ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक चीज़ है, ये तो मेरे पास इसी तरह ही आता है, आपके पास भी आना चाहिए। इसी सिक्योरिटी सेंटर में बाय द वे वो कहीं ना कहीं पे पूछ रहा होगा आपसे। अच्छा चले मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, वो करके देखें आप। दोबारा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में गए और सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाने के बाद जो लास्ट वाला टैब है ना प्राइवेसी का, वहाँ पे गए। पहले तो जर्नल में थे ना, अभी लास्ट वाले पे जाएं प्राइवेसी वाले पे। प्राइवेसी पे जाने के बाद जो लेफ्ट हैंड पे एक लिस्ट आ रही है ना, लेफ्ट हैंड पे जो लिस्ट आ रही है इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक आ रहा होगा, उसमें चले जाएं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जाने के बाद ना राइट हैंड पे एक लिस्ट आ रही होगी, उसमें गूगल क्रोम लिखा हुआ होगा जी। सही है, उस पर चेक लगा दें। नहीं लग रहा। अच्छा नीचे एक ताला बना हुआ है छोटा सा, उस पर क्लिक करें, उस ताले को ओपन करें पहले। पासवर्ड मांगेगा आपसे वो ताला ओपन करते हुए। खुल गया ताला, हो गया। अब चेक लगा दें उस पर गूगल क्रोम पे। चेक लग गया। अब गूगल क्रोम को एक दफ़ा आपको रीस्टार्ट करना होगा, फिर शेयर हो जाएगी आपकी स्क्रीन। हेलो जी सर, स्क्रीन शेयर हो गई? जी स्क्रीन शेयर हो गई आपकी। हेलो जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। अपना मसला एक्सप्लेन करें ज़रा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके पास।
पर ही आ रहा है। आप कंसोल तो दिखाएं मुझे अपना, कंसोल खोले बगैर आपको पता ही नहीं चलेगा कि एरर है क्या। आप अपना कंसोल मुझे खोल के दिखाएं कि एरर आपके पास आ रहा क्या है। आप अगर ये देखें ना, आपने कंसोल नहीं खोला हुआ, आप साइन अप का बटन प्रेस कर रही हैं, तो आपको पता कैसे चल रहा है कि एरर क्या आ रहा है? आपको तो पता ही नहीं चल रहा ना। कंसोल ओपन करें इसका। कंसोल ओपन करना आता है आपको? जी तस्मिया, कंसोल ओपन करना आता है आपको? हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है तस्मिया? आपको कंसोल ओपन करना आता है? अरे यार ये क्या हो गया। हाँ कंसोल ओपन कर लिया आपने। अब इसको क्लियर, पहले तो क्लियर करें इसको ना, जो पहले से लिखा हुआ है सब क्लियर करते हैं आप। अच्छा अब नेटवर्क के टैब में चले जाएं, ऊपर सोर्स के पड़ोस में नेटवर्क लिखा हुआ आ रहा है, टॉप पे बिल्कुल आ रहा है कंसोल में। हेलो जी, नेटवर्क के टैब में जाएं आप। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है जी। नेटवर्क के टैब में जाएं आप। अब ज़रा साइन अप का बटन प्रेस करें, अब दिखाएं मुझे क्या होता है। अच्छा साइन अप की रिक्वेस्ट फेल हो रही है, साइन अप की रिक्वेस्ट पे क्लिक करें। देखें ना, आपने लोकल होस्ट 3000 पर रिक्वेस्ट की हुई है। लोकली आपका सर्वर क्या चल रहा है? आपका सर्वर लोकल चल रहा है, रन हो रहा है? दिखाएं आपका सर्वर कहाँ रन हो रहा है। सर्वर तो रन नहीं हो रहा आपका, तो पहले अगर आप लोकल पे चलाना है तो पहले सर्वर रन करना होगा आपको। लिखें npm start ठीक है। अब आप सर्वर रन हुआ है, अब जाके ज़रा चलाएं दोबारा से वहाँ पे, रिक्वेस्ट दोबारा करें। चलें ठीक है, कंसोल ओपन कर लें पहले। ये सही चल गया बिल्कुल ठीक है। हेलो जी, जी बोलें, आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो
लैपटॉप आप आज देंगे या कल देंगे बोला, ठीक है ना, उसका फिर मैसेज आया, उसका मैसेज आया, उसी टाइम मैसेज आया था मुझे कि यार मैं ये कंफर्म बता देना कि कब तक तक मैं उसको मुझे बताना है, तो आप मुझे ये बता दीजिए लैपटॉप मुझे आज देंगे या कल देंगे, तो उसी हिसाब से मैं देख दिया और ऑर्डर लेकर बताऊँगा, ठीक है। और एक और ये कि अगर आप लैपटॉप मेरे लिए आना है ना, तो ये मेरा लैपटॉप है ना, मैं उसका डब्बा भी ले लूँगा, ठीक है। हाँ यार मेरी कोशिश तो यही है कि मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी पहुँचा दूँ। जी आपने ये दो माइक ओपन कर लिए हैं एक साथ, शायद आवाज़ इको हो रही है। जी तस्मिया आपकी आवाज़ आ रही है, एक मिनट ये तस्मिया का पहले सवाल सुनता हूँ मैं, फिर इरफान आपकी तरफ आते हैं। जी तस्मिया आपकी आवाज़ आ रही है, बोलें। आवाज़ नहीं आ रही मेरी, आवाज़ यहाँ से तो सही जा रही है गूगल पे। हेलो 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 हेलो, यार मैं एक बार ये रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज अपना। आपकी आवाज़ आ रही है, मुसलसल आ रही है। जी सर आवाज़ तो बिल्कुल सही आ रही है। यार ये डबल डबल माइक किसी ने खोला हुआ है, ये इनका खुला हुआ है इसका। प्लीज सिर्फ एक डिवाइस में इसको ओपन करें, बाकी अगर दूसरे डिवाइस में आपने लॉगिन किया हुआ है तो उसका माइक और ये दोनों क्लोज कर दें, अदरवाइज इको होता है फिर। जी तस्मी आपकी आवाज़ म्यूट हो गई है अभी फ़िलहाल, अनम्यूट करके बोलें जो भी बोलना चाहती हैं आप। सर ये नैनो आईडी जो हम इंस्टॉल करते हैं उसके लिए हम क्या लेते हैं टर्मिनल में? कौन सी आईडी, सॉरी? नैनो आईडी। नैनो आईडी, हाँ नैनो आईडी के लिए जो है ना आपको क्या करना होता है, npm से इंस्टॉल करना होता है नैनो आईडी को। वो लास्ट क्लास का जो कोड मैंने पुश किया उसमें भी वो चला के भी मैंने बताया था, वो वीडियो आप देख लीजिएगा अगर आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। नैनो आईडी बहुत छोटी सी यूटिलिटी है, वो जितना मैंने पढ़ा दिया उतना ही था, वो उससे आगे कुछ है भी नहीं उसके अंदर। जी ये अनडिफाइन आ रहा है मुझे कंसोल पे, टर्मिनल तो खोलें इसका, क्या बोलते हैं इसका, हाँ जाएं नेटवर्क के टैब में, जाएं नेटवर्क के टैब में जाके दिखाएं मुझे क्या आ रहा है। अरे इंस्टॉल किस तरह करते हैं टर्मिनल? npm i nano id आप गूगल पे जाके लिखेंगे ना npm और nano id साथ में, तो वो उसका आ जाएगा लिंक, वहाँ अंदर सब लिखा हुआ है उसके। नेटवर्क के टैब में चले जाएं, सामने तो लिखा हुआ है नेटवर्क, ये थोड़ा जी आप कहाँ जाऊँ? नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर क्लिक करें पहले आप। ओके अच्छा अब साइन अप का बटन प्रेस करें, क्या होता है दिखाएं मुझे। साइन अप, हाँ क्लिक करें इस पर। ये जो URL आपने हिट किया है ना, ये URL एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, इसलिए आपके पास ये 404 आ रहा है। सर ये मैंने हरिको से लिया है। आपने URL गलत लगाया ना, हरिको से दोबारा दिखाएं कैसे लिया। मैंने यहाँ से, हाँ ये आपने कॉपी किया, इस पर स्लैश साइन अप भी तो लगेगा आगे, स्लैश साइन अप भी तो लगेगा ना इस पर आगे, क्योंकि सर्वर पे तो स्लैश साइन अप पे कोड लिखा हुआ है आपका। जी जी ठीक है। सर ये चेक कैसे होता है? क्या चीज चेक कैसे होता है? कि हमने यहाँ कैसा कौन सा कोड लगाना, मेरा भी यही एरर आ रहा है। इस पे देखें, इस पे आपने वो, आप सर्वर की फाइल खोलें, आपने सर्वर की फाइल खोलें आप। नहीं नहीं सर्वर जैसे यूजर से हैं, सर्वर की फाइल के अंदर ना आपने ही तो लिखा है स्लैश साइन अप स्लैश लॉगिन, जो लिखा है वही लगाना है फिर इसके आगे, सही है। सर्वर में आपने ही लिखे हैं ना APIs, तीन हमने दो APIs लिखी थी लास्ट क्लास में, एक लिखा था स्लैश लॉगिन, एक लिखा था स्लैश साइन अप, ठीक है, तो आपको उसमें से जो भी हिट करना है जो भी API,
तो वो आप पहले पूरा URL लिखेंगे और स्लैश लगा के साइन अप लिख देंगे आगे, सही है, सिंपल सा है। देखें इसीलिए मैंने कहा था आप लोगों से कि जो मैं कोड लिखवा रहा हूँ ना, इसको अपने हाथ से एटलीस्ट एक बार लिख लें आप, और उसमें कोई अगर एरर आता है तो मुझसे पूछ लें आप, क्योंकि अभी ये क्लास हमारी मज़ीद अब आगे की तरफ जब जाएगी ना, और आपने अभी वाला कोड नहीं लिखा अगर अपने हाथ से, तो आगे का कोड आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है, तो फ़ायदा नहीं है फिर आगे आगे पढ़ते जाने का, फ़ायदा नहीं है। सर मेरे पास नोड में क्रैश ऐप क्रैश लिखा हुआ आ रहा है, जो ऐप क्रैश होगी ना तो उसमें एरर का मैसेज भी आ रहा होगा साथ में कि इस वजह से क्रैश हुई है, तो वो मैसेज पढ़ के मुझे बताएं या आप खुद ही देख लें, समझ आ जाएगा आपको। सर मेरे पास ऐसे आ रहा है, दिखा दें ज़रा कैसे आ रहा है। सर बोल रहे हैं वेटिंग फॉर चेंजेस स्टार्ट चेंजिंग। अरे सर यूजर नेम पासवर्ड सब लिखा आ गया, मैंने ये तो बोला ही नहीं था बनाने, मैंने सर तो... ये पिछला कोड है। अच्छा चले पिछला कोड आपने कर लिया ना, अब वो कल वाला करें आप, जो लास्ट मैंने आपसे करवाया था ना उसमें साइन अप का और लॉगिन का फॉर्म आपने बनाना था, ठीक है सर। वो इसमें तो जो मसला वो हल करवा दें। हाँ इसमें क्या मसला है बताएं सर। ये वो उसका यूजर का नाम आने की जाए फुल नेम ही आ रहा है। अच्छा HTML दिखाएं अपनी मुझे। अच्छा ये जो मैप में आपने लिखा है ना, रुक जाएँ यहाँ पे, जहाँ पे आपने वो लिखा है ना वो वहाँ पे जाएँ। जी सर। हाँ ये जो आपने लिखा है ना डॉट मैप ईच यूज़र, इसमें आपने लिखना था यार कोड तो सही लिखा हुआ है आपने। अच्छा ज़रा वो ये तो गेट ऑल यूज़र का फंक्शन है ना, आप ज़रा उसमें जाएँ जो आप पुश करते हैं जो चीज़, वहाँ पे आपने गलत कर दिया शायद। सर्वर वाली फाइल की बात कर रहा नहीं, नहीं पहले तो HTML वाले में फॉर्म मुझे दिखाएं, अब जो फॉर्म सबमिट होता है ना वो दिखाएं, उसमें ही कोई इशू है आई थिंक। ये फॉर्म जब सबमिट होता है तो कौन सा फंक्शन चलता है, साइन अप चलता है राइट। अच्छा साइन अप का, साइन अप का दिखाएं मुझे पूरा फंक्शन। हाँ ये जो आपने लिखा है ना लाइन नंबर 68 में, ये गलत लिखा है आपने। फुल नेम इक्वल्स टू, हाँ फुल नेम इक्वल्स टू फुल नेम है ये, कोटेशन सिंगल कोट हटा दें इसमें से आप।
तीनों में से सर? हाँ तीनों में से हटा दें। भी वो हाँ तो पुराना डेटा तो वही आएगा ना, स्क्रॉल करें लास्ट में जाएं पेज के देखें। ठीक है सर। डेटा जो है ना सही तरह पुश नहीं हो रहा था, सर्वर पे जा ही रहा नहीं था, अब डेटा आपका सर्वर पे सही जा रहा है तो सही आ रहा है। सर ये गहरा आ रहा है, आपको स्क्रीन शेयर करें। जी स्क्रीन शेयर करें। आ गई है स्क्रीन आपकी सर, ये देखिए ये एरर आ रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। मॉड्यूल नॉट फाउंड है ना, इसको स्क्रॉल करो शुरू से दिखाओ ये एरर। रुक जाओ, एक्सप्रेस कैन नॉट फाइंड पैकेज एक्सप्रेस लिखा हुआ है। मॉड्यूल नॉट फाउंड कैन नॉट फाइंड पैकेज एक्सप्रेस इम्पोर्ट फ्रॉम दिस दिस दिस, ये एक्सप्रेस को आपने इंस्टॉल नहीं किया इसलिए एरर आ रहा है। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करना होगा आपको। रोक दें इसको सर्वर को कंट्रोल सी से, npm इंस्टॉल। अच्छा ये मसला आपका हल हो गया। अच्छा यार भाइयों अब मुझे ज़रा सब लोग थोड़ा इधर मुतवज्जो हो जाएं मेरी तरफ, जो भी कर रहे हो उसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। यार अब ये बताओ, देखो मैं आज पूरे मूड में आया था कि मैं MongoDB शुरू करूँगा, तो अभी है हमारे पास एक घंटा काफ़ी है MongoDB कवर करने के लिए, तो अब क्या मैं MongoDB पढ़ा दूँ? देखो मुझे तो पढ़ाने में कोई मसला नहीं है,
ठीक है, मैं तो प्रिपेयर हूँ पढ़ाने के लिए, लेकिन अब मसला ये है कि पिछला आप लोगों से बना नहीं है या बनाया नहीं है या टाइम नहीं मिला, बैठे नहीं, जो भी रीज़न है। अब मुझे ये बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं आप में से जिनका ये ख्याल है कि आगे पढ़ा देना चाहिए? सर मेरे ख्याल में आगे पढ़ाते हैं, मैं वैसे दो क्लास पीछे हूँ, लेकिन ये कि जिन लोगों ने पढ़ लिया है, जो आगे पढ़ रहे हैं, उनका टाइम सफर हो रहा है। मैं यही तो देखना चाह रहा हूँ कि कौन है जो आगे पढ़ रहा है कोई? सर ये तो माशाल्लाह सर अच्छे खासे जीते हैं हमारे पास, लेकिन ये कि मैं खुद कवर कर लूँगा आपकी रिकॉर्डिंग देख के, मेरे हिसाब से आगे पढ़ाते सर, वक्त ज़ाया होगा रास्ते। अच्छा अनम शब्बीर ने मुझे कुछ भेजा भी था, वो भी मैंने देखा नहीं है, देखता हूँ अभी ज़रा वो क्या भेजा है उन्होंने। यूज़र क्रिएटेड, मोस्टली से नहीं हुआ है ये काम। सॉरी मोस्टली स्टूडेंट्स है ना, अभी ये काम नहीं हुआ। अच्छा अनम शब्बीर ने सिर्फ मुझे भेजा है कि लॉगिन साइन अप दोनों इनका हुआ हुआ है। मोहम्मद अली सर, मैं लास्ट टाइम से बीमार थी इसलिए 3 क्लासेस कवर नहीं कर सकी, आज लास्ट से लास्ट कवर की थी, बट अभी इंशाल्लाह लास्ट कवर कर लूँगी साइन अप। नहीं मैं तो चाहूँ तो मैं पता नहीं क्या करवा दूँ, इन्होंने लिखा है कि आप चाहें तो अब आगे पढ़ा दें, मसला ये मैं तो मैं असल में ये चाहता हूँ कि किसी तरह आप लोग सीख जाएं, चीज़ें सीख जाएं आप, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ। अब मसला ये मैं पढ़ाने को तो पढ़ाता चला जाऊँ, आप सीखेंगे नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है? सर एक बात बोलूँ अगर हमारे साथियों को बुरी ना लगे जी। सर एज ए डेवलपर मैं खुद आपको पता है मैं डेवलपमेंट करता रहा हूँ डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे, मैं नोट कर रहा हूँ सर हमारे बहुत से साथी जो हैं वो जल्दी करने के चक्कर में कॉपी पेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से इनको मसला हो रहा है। अगर भले थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं मगर ये कि अपने हाथ से कोडिंग करेंगे तो इनको ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ ये तो मैंने शुरू से ही सब लोगों को कहा है कि आप दूसरे का कोड देखें ज़रूर, देखना मना नहीं है, लेकिन कोड कॉपी ना करें, अपने हाथ से लिखें आप। सर ये स्पेशली वेदर से मैं नोट कर रहा हूँ, मेरी एक आदत है मैं सबसे कोड भी देख रहा होता हूँ सीखने के लिए, तो उसमें मुझे नज़र यही आया है, तो इस वजह से हम लोग सारे जो हैं वो फंस गए हैं और कुछ मसला नहीं है हमारे साथ। मैं एक चीज़ और भी सोच रहा था, मैं एक चीज़ ये सोच रहा था कि हम ना एक टेस्ट रखते हैं, अभी तक क्योंकि हमारे एक भी क्विज नहीं हुआ इस क्लास में, एक टेस्ट रखते हैं जितना एक्सप्रेस मैंने अभी तक पढ़ा दिया है और जितनी जावास्क्रिप्ट मैंने अभी तक पढ़ा दी है, वो टेस्ट में जो पास होगा वो रहेगा क्लास में, जो फेल हो जाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा क्लास से। ये भी मैं चीज़ सोच रहा हूँ क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना, इतने सारे लोग क्लास में आते हैं और वो हम कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हम क्लास में, या तो लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं चीज़ों को, ये पता नहीं क्या चक्कर है। तो मैं ये भी गौर कर रहा हूँ कि क्या हमें एक टेस्ट रखना चाहिए, हालांकि मैं टेस्ट के हक़ में नहीं हूँ कभी भी, मैं हमेशा मना करता हूँ सब लोगों को कि टेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं प्रोजेक्ट बेस पे बिलीव करता हूँ कि प्रोजेक्ट बेस्ड जो टास्क होते हैं वो होने चाहिए,
या तो प्रोजेक्ट बेस वाला ही एक टास्क आपको दूं मैं ऐसा, टास्क तो क्या दूं, टास्क तो दिया हुआ है, वही तो नहीं हुआ आप लोगों से। हाँ हाँ, लॉगिन और साइन अप हम ये करते हैं कि अगली क्लास तक, अगली क्लास हमारी एक दिन छोड़ के एक दिन है, जिसका लॉगिन साइन अप हुआ हुआ होगा वो आएगा लाइव क्लास में, बाकी लोग रिकॉर्डिंग देखें, सही है, बाकी लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे, एलिमिनेट नहीं करता मैं, चलें आप बाकी लोग रिकॉर्डिंग सर, एक सजेशन दो अगर ब्रांड लगे तो जी जी सर, आप इस पर थोड़ी सी ये रख दें हम सबसे के लिए कि जिस तरह से आपने पढ़ा है उसी चीज़ को फॉलो करते हुए सबने बनाना है। हाँ वही है, वो तो एक्स्ट्रा जो सर जो जेक्यूरी और दूसरी चीज़ें लग रही हैं वो सब ना लगें तो क्या सर? नहीं नहीं, जेक्वेरी तो मैंने कभी भी नहीं बोला लगाना, वो तो है भी पुराना आइटम है सर, वो आप रिकॉर्डिंग देखे खुद भी अंदाज हो जाएगा सर, इससे ये कि सबका लेवल एक लेवल पे आ जाएगा कि भाई कौन क्या कर रहा है। इस पर मेरे ख्याल में बहुत से लोग इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि कुछ लोग बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर पा रहे, वो स्पीड से करने के लिए कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है सर, मैं थोड़ा पीछे इसीलिए चल रहा हूँ, मैं एक एक कोड को बैठ के पढ़ रहा हूँ, इस पर मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है। एक अप्रोच तो ये हो सकती है ना कि क्लास में स्टूडेंट से कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं अपना सीधा पढ़ाता चला जाऊँ, जो मेरा कंटेंट है वो मैं कवर करूँ, क्योंकि जाहिर है अब हमारा लास्ट महीना चल रहा है, इसमें हमें एक्सप्रेस ये पूरा करना है, मोंगोडीबी भी पढ़ना है हमें और रिएक्ट भी पढ़ना है, तो एक तो तरीका ये है मैं सीधा चलूँ और अपना कंटेंट कवर करूँ अपने टाइम पर और निपटाने की करूँ, लेकिन ये मैं चाहता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग जब बाहर निकलें तो कुछ सीख चुके हों आप। अच्छा तो मैं अभी कॉन्क्लूजन पर पहुँचाऊँ, मैं कॉन्क्लूजन पर यही पहुँचाऊँ कि भाई आप सब लोग जो है ना, अब जो पिछली क्लास की कोडिंग थी उसमें मैं मज़ीद थोड़ा सा ऐड करवा देता हूँ, लॉगिन का फंक्शन हमने नहीं बनाया था तो लॉगिन का फंक्शन मैं बना देता हूँ, लॉगिन और साइन अप पूरा आपको बना के दिखा देता हूँ मैं, और अगली क्लास में सब लोग अपने हाथ से वो बना कर लें, ठीक है, अदरवाइज़ फिर आप क्लास में अलाउ नहीं करेंगे आपको सर। सर